हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से यूट्यूब झारखंड टेलर में। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आफ्ताब और आज हम बात करने वाले हैं कि कैंची में धार किस तरह से लगाया जाता है बिल्कुल घर में दोस्तों। और ये बिल्कुल अजमाया हुआ है, आप बिल्कुल ही घर में आराम से इसको लगा सकते हैं। आप देख सकते हैं ये हम दो तरह का कैंची लिए है दोस्तों, ये बिल्कुल जंग लगी हुई है, ये कपड़ा काटती नहीं है दोस्तों, इस तरह से आप देख सकते हैं बिल्कुल नहीं काट रही है। तो आइए दोस्तों, इसका हम धार लगाने का तरीका बता रहे हैं। इससे पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन दबा देंगे ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सही समय से मिलता रहेगा। दोस्तों, नट को खोलेंगे दोस्तों और ये बोल्ट भी हम खोल लेंगे इस तरह से। आप देख सकते हैं किस तरह का ये चीटी लग गया है दोस्तों इसमें, और ये बिल्कुल भी कपड़ा नहीं काट रही थी। और ये सब गर्दा जब बैठता है कैंची में तो बिल्कुल भी कैंची नहीं काटती है। और इसको किस तरह से सही किया जाएगा दोस्तों, ये आप वीडियो में देखेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। तो सबसे पहले हम ये केरोसिन लेंगे और कपड़ा में हम भिगा के इसको दोस्तों इस तरह से पूरा में लगाएंगे हम, जहां जहां चीटी हमारा है। केरोसिन का ऑयल चीटी के लिए बिल्कुल दुश्मन है दोस्तों, जहां भी हम चीटी है वहां इस तरह से पूरा दे लेंगे इसमें। फिर इसको हम अच्छी तरह से साफ कर लेंगे इस तरह से। अब हम चूना लेंगे थोड़ा सा इसमें, कोलिन डाल देंगे थोड़ा सा, और इसको अच्छी तरह से मिला लेंगे। और इसका हम लेप लगा देंगे दोस्तों इसमें। इस तरह से बिल्कुल लेप हम लगा लेंगे इसमें। बिल्कुल अच्छी तरह से लेप इसमें दे देना है दोस्तों इस तरह से। और इसको लगभग आधा घंटा के लिए हम छोड़ देंगे दोस्तों इस तरह से, ताकि हमारा पूरा चीटी खत्म हो जाए और इसमें हम धार लगा सके दोस्तों। तो आगे वीडियो में हम किस तरह से इसमें धार लगाएंगे ये बताएंगे दोस्तों, आप हमारे साथ बने रहिए। तो ये हमारा लगभग आधा घंटा हो चुका है दोस्तों, अब आइए हम इसको किस तरह से धार लगाना है ये बताते हैं। इसको सबसे पहले अच्छी तरह से हम साफ करेंगे। और एक सरस पत्ता लेंगे दोस्तों इस तरह से, ये देख सकते हैं आप। इस तरह से हम रगड़ेंगे और बिल्कुल यहां भी हम रगड़ेंगे दोस्तों इस तरह से, ताकि कैंची में जिस तरह से नया में धार था दोस्तों फिर उसी तरह का धार निकल आएगा। आप देख सकते हैं इस तरह का धार निकल रहा है, बहुत ही बेहतरीन काम करेगी ये कैंची हमारी। इसमें भी वही प्रोसेस दोहराना है दोस्तों।
इस तरह से बिल्कुल हम साफ कर लेंगे। और इसमें थोड़ा सा कूलिन हम दे देते हैं दोस्तों। फिर इसे हम अच्छी तरह से साफ कर लेंगे इस तरह से। इस तरह से बिल्कुल हमारा साफ हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल आप देख सकते हैं। इस तरह से हमारी कैंची का सफाई भी हो गया और धार भी लग गया दोस्तों, बिल्कुल आसानी के साथ। इस तरह बिल्कुल साफ हो जाएगा। आइए दोस्तों, इसको हम फिट करके दिखाते हैं आपको किस तरह से ये कैंची काम करती है। इस तरह से जो भी कचरा था ये हमारा निकल चुका है दोस्तों यहाँ से। आइए हम इसको अब फिट करके दिखाते हैं किस तरह से ये कैंची हमारा काम करेगी दोस्तों। आइए दोस्तों, हम इससे कपड़ा काट के आपको दिखाते हैं किस तरह से बिल्कुल नई कैंची जैसे काम करेगी ये, आप देख सकते हैं ये सामने भी काट रही है। तो इस तरह से आप कैंची का अगर धार लगाइएगा तो बिल्कुल नई कैंची की तरह काम करेगी दोस्तों। तो आज के वीडियो में बस इतना, मिलते हैं इसी तरह का वीडियो लेकर, तब तक लिए बाय दोस्तों।